राधे कृष्णा, मैं छोटे से क्लिप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये चीज़ बाद में भूल जाऊँगा। अभी मैं पेशेंट से बात कर रहा था अभी, तो अचानक से मेरे मन के अंदर ये बात आई। तो जब भी कोई मेरे मन के अंदर बात आया करेगी जो कि मुझे लगता है कि अब हमारे पेशेंट के काम आ सकती है, तो मैं इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स बना दिया करूँगा और हमारे पेशेंट के साथ में वो शेयर कर दिया करूँगा। देखिए, मुझे एक स्टोरी याद आई। एक बार मैं सेमिनार में था, मैं सेमिनार अटेंड कर रहा था अब से 6 या 7 साल पहले। तो उसमें एक केस दिखाया गया मेरे सामने, वो केस था हिप्नोथेरेपिस्ट का। वो केस ये था कि एक महिला थी जिसको खाने वाला पीच होता ना, पीच को देख के ना उसको मैनिक दौरे पड़ जाते थे उसको, यानी कि वो पागल सी हो जाती थी वो पीच को देख के। उसकी स्मेल से उसको अचानक से एंग्जाइटी हो जाती थी, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि वो, उसके ऐसा लगता था कि जैसे वो सफोकेट हो गई है, उसको न, न, जैसे उसको दम घुट रहा है उसका, वो मर जाएगी। इस तरीके से उसको कहीं ना कहीं वो पीच से उसको एलर्जी थी। अब उसने उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में किया, कोई सोल्यूशन नहीं। आयुर्वेद में किया, होम्योपैथी में किया ना, जहाँ पर भी गई 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 वो कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा, वो भारत के टॉप होम्योपैथी डॉक्टर के पास में गई, जो जो टॉप डॉक्टर गिने जाते हैं उनके पास में गई, बट नो रिलीफ। तो फिर एक बार वो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गई, नहीं उससे पहले की कहानी ये थी कि फिर वो डॉक्टर के पास उसने जाना बंद कर दिया। तो फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर उनको मिले कहीं पर, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप हमारे पास में आई थी ट्रीटमेंट के लिए, अभी आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास में गई थी और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। वो डॉक्टर के मन के अंदर जिज्ञासा हुई कि यार मैंने इतना सब कुछ किया और ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ, लेकिन हिप्नोथेरेपिस्ट ने इसको ठीक कर दिया। मुझे उनसे मिलना चाहिए जिसने इनको ठीक किया है, क्योंकि मैंने अपनी सारी नॉलेज लगा के, वो एजेड डॉक्टर थे जिनका सेमिनार था, और तो उन्होंने अपनी सारी नॉलेज लगा के उस पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की, बट कोई रिजल्ट नहीं। देखिए, बात यही होती है ना कि समय से पहले कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। समय से पहले हम कुछ चीज़ों को सीख भी नहीं सकते हैं। तो वो डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने देखा कि वो कैसे काम करते हैं। वो हिप्नोथेरेपिस्ट पेशेंट को सम्मोहित करते थे और उनको ठीक कर देते उस विधि से। तो और साथ में वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखते थे पेशेंट की। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास में इस तरह के पेशेंट आए थे जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती थी, घुटन हो जाती थी, एक पागलपन का दौरा पड़ता था, उनको पीच से एलर्जी थी, उसको देखते ही, उसको सूंघते ही, ये कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास इस तरह के पेशेंट आए थे और उनकी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने उनको दिखाए और वो देखने के बाद में, डॉक्टर ने खुद लिटरली कहा था कि मुझे बहुत डर लगा वो देखने के बाद में। हुआ ये था कि जब मैंने ये स्टोरी आई थिंक पहले भी शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पर, हुआ ये था कि जब उनको सम्मोहित किया गया, उनको टाइम में पीछे लेके जाया गया, उनको पीछे गए पीछे गए, जैसे हम सभी ने अपरिचित मूवी देखी है, तो अपरिचित मूवी में इसी तरीके से सम्मोहन करते हैं, बट हाँ थोड़ी विधि दूसरी उसकी होती है, क्योंकि थोड़ा समय लगता है सम्मोहित करने में, थोड़ा रिलैक्स। सम्मोहित करना और कुछ नहीं है, ये केवल आपको रिलैक्स करना है और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एंटर करना है, आप ही एंटर करते हो। सम्मोहित करने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको वश में कर लिया, नहीं, ये एक साइंस है। हम इसमें सबकॉन्शियस ब्रेन में आपको झांकते हैं और वहाँ पर कुछ सजेशन डालते हैं, सजेशन कोई अच्छा सा, जैसे कि अब आप ठीक हो रहे हो, बस आप ठीक होना स्टार्ट हो गए, इस तरीके से। बट आप उतना गहराई में जाना चाहिए तभी ये काम हो सकता है। तो
वो सम्मोहित उन्होंने किया, वो धीमे धीमे उनको पीछे लेके गए, पीछे लेके गए, पीछे लेके गए। और एक मोमेंट था जब उन्होंने कहा कि हाँ, कि मेरे को सबसे बड़ा सडनली शॉक मेरे को कब लगा था, उन्होंने कहा कि मैं बैठी हुई टीवी देख रही हूँ और अचानक से फ़ोन बजता है। और उस समय ये थे, मतलब लैंडलाइन फ़ोन थे, मोबाइल नहीं थे, कि अचानक से फ़ोन बजता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से ये फ़ोन बजता है। तो वो सुनने के बाद में मैं एकदम से घबरा गई, मैं जड़ हो गई, मैं कहना चाहिए कि मैं पैरालाइज हो गई। पैरालाइज मतलब कि शी डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, उसको नहीं पता था कि वो रेस्पॉन्स कैसे करे उस सिचुएशन का, या फिर क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, उसके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा कैसे हो गया, उस तरह का। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रेस्पॉन्स ये था। और उसी के बाद में उसको पीछे से ऐसा होना स्टार्ट हुआ था। तो फिर उसने कहा कि चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि चारों तरफ क्या है आपके, दीवार का कलर क्या है, टीवी में क्या चल रहा है। उसने सारी चीज़ डिटेल बताई वहाँ पर, क्योंकि वो उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन में थी, वो चीज़ वो फील कर रही थी। जब हम कभी कभी ये चीज़ पेशेंट को करवाते हैं, एक्चुअल में ये हम तब कराते हैं जब हमें किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करना होता है जो कि ऑटिज्म या ADHD से ग्रसित होता है। ऐसे बच्चे जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या फिर वो लर्निंग नहीं कर पाते, इवन बैठ भी नहीं पाते हैं ऐसे बच्चे, और ट्रीटमेंट के बाद में बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड उनको मिलता है। तो हम उनकी मदर को करवाते हैं ये चीज़, हम उनको हिप्नोथेरेपी के द्वारा उनको टाइम में पीछे लेके जाते हैं, और जहाँ पर उनको ट्रॉमा लगा था वो चीज़ फील करने के लिए बोलते हैं, और उनको पूछते हैं कि हमें बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। और एट द मोमेंट उस समय पर जाके उनकी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, एंड रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। मैंने शेयर भी की हुई है एक दो वीडियोज़, आपने शायद देखी होंगी, या मे भी शायद आपने ना देखी होंगी क्योंकि आप पिगमेंटेशन की ही वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने पूछा कि हाँ बताइए कि चारों तरफ क्या है, उन्होंने बताया कि ये है ये है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप देख के बताइए कि ये जो टेलीफोन है कहाँ रखा हो। उसने कहा कि एक टेबल पर रखा हुआ है, और टेबल पर पीच रखे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि चलिए आप बताइए आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने कपड़ों के कलर बताया, और देखा उन्होंने कि मैं तो उस समय पीच ही खा रही हूँ, यानी कि वो उस समय उनके उनके हाथ में पीच था और उनके मुंह में भी था, क्योंकि उस समय वो खा रही थी उसको, और वहाँ पे वो भी रखी हुई थी, वहाँ पे छवड़ी भी रखी हुई थी पीच की, काफ़ी सारे पीच वहाँ पे रखे हुए थे। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ एंटर हो गई, ठीक है, वो छप गई वहाँ पे। अब जैसे ही चलिए वो सिचुएशन निकल गई, उनका बेटा ठीक है, आज वो बिल्कुल फिट है, लेकिन जब वो पीच को देखती थी ना, तो पीच में जाके वो एकदम से ट्रिगर हो जाता था। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम अपने घर में जाते हैं तो हमारी पिगमेंटेशन क्यों बढ़ जाती है। उसका आंसर ये है कि वो सबकॉन्शियस ब्रेन उसको ट्रिगर कर देता है, इसलिए आपकी वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इस चीज़ का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो एग्जांपल ये है कि एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, अमेरिका की बात है, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो उसका सिर खुल गया, यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन शुक्र ये था कि उसको ब्रेन की चोट नहीं आई थी। तो वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर जब उसकी देखा उसको क्या स्थिति है, तो उन्होंने जब खोल के देखा तो ठीक है, ब्रेन काम कर रहा है। और जैसे ही वहाँ पे पास में चर्च था, चर्च की जैसे ही घंटी बजी, पेशेंट को ब्रेन में ना इस तरह से हुआ, इस तरह से। तो डॉक्टर ने कहा कि ये क्या हो रहा है आपके साथ में। उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है। कहता कि ये जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये मेमोरी का हिस्सा है आपकी, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ मेमोरी आपको याद आ रही है। उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई मेमोरी याद नहीं आ रही है। फिर घंटी बजी, फिर उसके साथ में ऐसी हुआ। अच्छा, फिर डॉक्टर ने अपने मोबाइल में निकाल के फिर घंटी बजाई, तो उसके साथ में फिर ऐसी हुआ। तब पता लगाया कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे काम करता है, यानी कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, जब हम सुनते हैं, सूंघते हैं, तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन में हमारे छप जाती हैं। लेकिन अगर हम दोबारा उन चीज़ों को देखें, तो फिर से हमें वो चीज़ें एहसास होने स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हमें एहसास भी ना हो तो भी हमारे सामने वो घटना घट जाती है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मैंने एक वीडियो देखी थी, अब से 3-4 साल पहले की थी। एक आदमी नाच रहा है, वो नाचते नाचते उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। क्या हुआ, वो तो बिल्कुल खुश था, हार्ट अटैक उसको क्यों पड़ा,
क्योंकि एक पीछे एक चीज़ काम कर रही है, उसका सबकॉन्शियस ब्रेन। यानी कि कहना चाहिए कि ये जो आपका सर है, ये जो दिमाग है ना आपका, ये मल्टीप्लेक्स है, इसमें एक साथ कई पिक्चर चलती हैं। मे भी हो सकता है कि आप इस समय कोई अच्छी पिक्चर देख रहे हो, लेकिन दूसरे वाले थिएटर में पता लगा कि हॉरर मूवी चल रही है ना। कोई शब्द आया आपको, इवन शब्द भी, इवन पिक्चर्स भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रिगर करती हैं। अभी एक नेटफ्लिक्स पर एक मूवी थी, मैंने देखी थी वो अभी कुछ समय पहले, एक महीना हुआ उसको देखा, मूवी हिप्नोटिक नाम की एक मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी वो। और मुझे तो बहुत ही उसमें इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें सब कुछ रियलिटी दिखाई गई थी कि हिप्नोसिस से हम क्या क्या कर सकते हैं, और हिप्नोसिस का अगर हम गलत उपयोग करें तो पेशेंट के साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें दिखाया गया था। हिप्नोसिस थेरेपी बैन है अमेरिका में, तो बैन है, केवल ऑथराइज प्रैक्टिशनर ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कोई और करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। कारण उसका यह था कि जब स्टार्टिंग में हिप्नोस्टिक प्रैक्टिस पेशेंट के ऊपर की गई तो डॉक्टर ने क्या किया कि चलिए ठीक है, पेशेंट को हिप्नोसिस में लेके गए उसको, और जब वो डीपली हिप्नोसिस में चला गया, वो सम्मोहित हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप नाचिए, वो नाचने लगा जबकि उसको नाचना नहीं आता था। उसने कहा कि चलिए अब आप ये लैंग्वेज बोलिए, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती थी परंतु बहुत अच्छे से वो, बहुत ही अच्छे से वो लैंग्वेज बोल रहा था। आप ध्यान रखिए कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारी मेमोरी होती है जिनका हमें पता भी नहीं होता, इवन हमारे पिछले बर्थ की भी मेमोरी वो एक्सेस करता है, जो हमारा लास्ट बर्थ था, इससे पहले का जन्म, उसकी मेमोरीज भी वो एक्सेस करता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। ठीक है, तो वो नाचने लगा, वो लैंग्वेज दूसरी बोलने लगा। अच्छा, फिर डॉक्टर ने सोचा कि चलो यार इसको एक सजेशन और देके देखते हैं कि अब आप मर जाओ। डॉक्टर ने उसको ये सजेशन दिया, वो व्यक्ति वहीं गिरा और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। और फिर डॉक्टर ने उसको बहुत कोशिश की कि चलो आप उठ जाइए, अब उठ जाइए, अब वापस आ जाइए। वो कहाँ वापस आने वाला था भाई, वो तो मर गया, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन ने उसको कहा कि चलो आप मर जाओ, तो वो मर गया, क्योंकि सारे कंट्रोल कमांड तो वहीं पर है ना, तो इसलिए वहाँ पर उसको बैन किया गया। और देखिए ये जो स्टडी मैं सारे कुछ बता रहा हूँ ना, कोई सारे के सारे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। दुनिया के जो महान साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ब्रैन वीज, वो इसमें काम कर रहे हैं हिप्नोथेरेपी पे, उन्होंने कई पेशेंट को इस थेरेपी से ठीक किया है। मैं भी ये करवाता हूँ पेशेंट को, मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर इस तरह की, उनसे पेशेंट को बहुत अच्छे इफेक्ट मिलता है। अगर आप नीचे कमेंट जाके पढ़ेंगे ना, उनके हज़ारों में कमेंट हैं, क्योंकि इस चैनल पर तो मैं 2 साल से आया हूँ, लेकिन उस पर मैं 3 या 4 या 5 साल से एक्टिव हूँ, तो उस पर हज़ारों कमेंट हैं उस चैनल पर। अभी तक तो मैं 2 ही वीडियो हैं केवल उस तरह के, आप जाके देख सकते हैं। तो हाँ, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, लेकिन अभी इस बात में आपको कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको होपलेस मत हो जाइए। अगर मैंने कोई नई चीज़ आपको बता दी है तो आप ये मत सोचिए कि अब क्या होगा, इसको तो मैं कुछ भी नहीं बता कि हम क्या करना है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है ना। एक अच्छी चीज़ यह है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, जो भी आपके साथ में होता है या फिर जो प्रॉब्लम आपको होती है, अधिकतर चीज़ों का मुझे पता है कि वो क्यों होती हैं, जिनका नहीं पता उसको हम खोज लेते हैं, है ना। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये चेहरे पर जो रेडनेस जो होती है, मैं रेडनेस वाली वीडियो डाली थी, चेहरे पर जो रेडनेस जो होती है वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का, है ना। मान लीजिए कोई मेमोरी है आपका जिसमें आपका ट्रिगर ये हुआ और बार बार आपको वही चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आवाज़ आ रही है, बारिश पड़ रही है, तो वही चीज़ आपको बार बार देखनी पड़ती हैं, तो आपको वो सबकॉन्शियस ब्रेन ना उसको ट्रिगर कर देता है, आपको पता नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ में, लेकिन वो वहाँ से ट्रिगर करता है। उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी दवाई है, क्योंकि होम्योपैथी दवाई आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पर काम करती है, अन्य कोई दवाई ऐसी नहीं है जो कि काम करे, और ये पूरी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा है आपकी हिप्नोटिक थेरेपी और तीसरा है आपका मेडिटेशन। ओके, तो होम्योपैथी मेडिसिन तो हम आपको दे रहे हैं, साथ में आपको मेडिटेशन भी कराएंगे, और जो हम वीडियोस जो बनाएंगे उसमें भी आपको सम्मोहन विधि से इसको हम वहाँ से क्लियर करेंगे। ओके, और फिर आप देखना रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, हम एक ही चीज़ में बहुत सारे साइंस को जोड़ रखते हैं, लेकिन अभी मैं इसको केवल सम्मोहन वाली ही क्लिप में बना रहा हूँ, अदरवाइज़ तो हम इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी इतना रहने दें इसको, केवल यही टॉपिक आप रहने दें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए, परमात्मा सभी का भला करें।